कहानी इतिहास की मेरे साथ। आज बात करते हैं उस युद्ध के बारे में जिस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने पैर पूरी तरह से भारत की भूमि पर पसार लिए थे। उसी ऐतिहासिक युद्ध की बात आज करते हैं। 1757 में लड़ा गया प्लासी के मैदान का युद्ध, प्लासी का युद्ध। चलिए बात करते हैं। अंग्रेज भारत पर पहले व्यापारी बन के आए थे, लेकिन जब सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह देश अन्न धन धान्य से परिपूर्ण था, तो उन्होंने अपनी विचारधारा को बदला और यहीं पर बसने का और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप का इरादा बना लिया। वो इंतजार कर ही रहे थे, मौका तलाश कर ही रहे थे कि अप्रैल 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु शीघ्र ही व्यापारिक, राजनीतिक आदि अनेक कारणों से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कटुता बढ़ गई। तत्कालीन परिस्थिति में ऐसा वातावरण बनता चला गया कि दोनों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या कारण रहे प्लासी के युद्ध के, बात करते हैं। सबसे पहली बात कि सिराजुद्दौला की दुर्बलता। सिराजुद्दौला सरल स्वभाव का व्यक्ति था, वो अंग्रेजों की कुटिल चालों से अपरिचित था। उसमें दूरदर्शा, उसमें दृढ़ता और दूरदर्शिता का अभाव था। उसमें तत्कालीन जटिल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता नहीं थी। दूसरी बात यह कि बंगाल का धन संपन्न होना। बंगाल एक धन संपन्न एवं उपजाऊ प्रदेश था, अतः अंग्रेज बंगाल के धन संपन्न प्रदेश पर अधिकार कर लेना चाहते थे। अंग्रेजों के प्रति संदेह। अलीवर्दी खान ने अपनी मृत्यु से पहले सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की कुटिल चालों के प्रति सावधान रहने के लिए कहा था, अतः सिराजुद्दौला अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसके विरोधियों से मिलकर उन्हें भड़का रहे हैं। तीसरी बात, अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधियों को भड़काना। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से इस कारण भी नाराज था कि वे उसके विरोधियों को उसके विरुद्ध भड़काते रहते हैं। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरोधियों को अपने यहां शरण देना भी शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला के विरोधी दीवान राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने पुत्र कृष्ण वल्लभ के साथ कलकत्ता भिजवा दी। सिराजुद्दौला ने कृष्ण वल्लभ को लौटाने के लिए अंग्रेजों से बार बार अनुरोध किया, परंतु अंग्रेजों ने उसके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच शत्रुता बढ़ती गई बढ़ती गई। अंग्रेजों की अशिष्टता भी एक कारण था। अंग्रेजों में सिराजुद्दौला के प्रति सम्मान की भावना नहीं थी। जब 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो अंग्रेजों ने उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उपहार और भेंट कुछ भी नहीं दिया। अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग भी कर रहे थे उस समय। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्कीसियार ने अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा दी थी, परंतु अंग्रेजों ने इन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें भी दस्तक एक अनुमति पत्र था कि सुविधा प्रदान कर देते थे।
तथा नवाब के कोष को हानि पहुंचाते थे। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी माल भी कंपनी का माल बताकर चुंगी बचा लेते थे और एक कारण अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई। अतः भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इस पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को आदेश दिया कि वे तुरंत किलेबंदी करना बंद करें। यद्यपि फ्रांसीसियों ने तो सिराजुद्दौला की आज्ञा का पालन स्वीकार कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने उसकी आज्ञा पालन से इनकार कर दिया। सिराजुद्दौला का कासिम बाजार तथा कलकत्ता पर आक्रमण। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद नवाब की सेना ने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण किया। कलकत्ता का गवर्नर ड्रेक जो समय था किले की रक्षा का भार जो है होलवेल को सौंपकर फुलटा द्वीप की ओर भाग गया। अंत में होलवेल ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और 20 जून 1756 को कलकत्ता पर भी नवाब का अधिकार हो गया। एक घटना और रही इतिहास में महत्वपूर्ण, वो थी ब्लैक होल की घटना। होलवेल के कथा अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब के सैनिकों ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक 18 फुट लंबी तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। जून मास की भयंकर गर्मी के कारण उनमें से 123 व्यक्ति मर गए तथा 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। 123 व्यक्ति मर गए थे और मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित बचे, जिनमें होलवेल भी शामिल था। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। परंतु कुछ इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार इस घटना को कपोल कल्पित मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तथा डॉक्टर ब्रिजेन गुप्ता ने ब्लैक होल की घटना को मन गणत बताया है और एक कारण अंग्रेजों का कलकत्ता पर पुनः अधिकार। जब कलकत्ता तथा कासिम बाजार के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा तो अंग्रेज अधिकारी बड़े चिंतित हुए। वे अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे। अतः क्लाइव तथा वाटसन अपनी अपनी सेनाएं लेकर मद्रास से बंगाल की ओर रवाना हुए। 28 दिसंबर 1756 को अंग्रेजी सेना ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। नवाब ने कलकत्ता की रक्षा का भार राजा मानिक चंद्र को सौंपा, परंतु वो अंग्रेजों से जा मिला। मानिक चंद्र के विश्वासघात के कारण 2 जून 1757 को कलकत्ता पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। एक और कारण, अलीनगर की संधि। कलकत्ता के पतन का समाचार सुनकर सिराजुद्दौला 40,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की ओर रवाना हुआ। दोनों पक्षों में एक साधारण सा युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंत में 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के बीच एक संधि हो गई जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। इस नगर में जो इस संधि की जो बातें थी, कुछ शर्तें भी इसमें थी। शर्तें क्या थी? मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधाएं तथा विशेष अधिकार दिए थे, नवाब सिराजुद्दौला ने उनको मान्यता दे दी। अंग्रेज बंगाल बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकेंगे। अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी कर सकेंगे। कंपनी को अपने निजी सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया गया। नवाब ने कंपनी की संपत्ति लौटाना तथा क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया।
अब ये कारण हो गया कि अलीनगर की संधि का जो शर्तें थी उसकी पालन नहीं किया गया। दोनों पक्षों ने अलीनगर की संधि परिस्थितियों से बाध्य होकर स्वीकार की थी, अतः दोनों पक्ष इस संधि की शर्तों को पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों द्वारा नवाब पर दोषारोपण। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, परंतु नवाब ने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया। इस घटना से भी दोनों पक्षों के बीच कटुता और बढ़ गई। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र भी रचा गया। देखें कैसे। अब क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया तथा उसे बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में अमीचंद, यार लतीफ, जगत सेठ, राय दुर्लभ आदि शामिल थे। 10 जून 1757 को अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच एक गुप्त संधि हुई। सेठ अमीचंद इस संधि में मध्यस्थ था। इस संधि की शर्तें थी जो है सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। मीर जाफर अंग्रेजी कंपनी को 1 करोड़ रुपया और युद्ध के हर्जाने के रूप में देगा। इसके अतिरिक्त वो अंग्रेज व्यापारियों की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए तथा हिंदू व्यापारियों की क्षतिपूर्ति के लिए 20 लाख रुपए देगा। सिराजुद्दौला के समय में अंग्रेजों को जितने अधिकार प्राप्त थे वे मीर जाफर के नवाब बनने पर पहले की भांति बने रहेंगे। मीर जाफर अंग्रेजों को कलकत्ता तथा कासिम बाजार की किलेबंदी की अनुमति देगा। अंग्रेजी कंपनी मीर जाफर के शत्रुओं के विरुद्ध उसकी सहायता करेगी। यह संधि मीर जाफर के साथ हो गई तो अमीचंद ने अंग्रेजों को धमकी दी कि उसे 30 लाख रुपए तथा नवाब के कोष का 5% धन नहीं दिया गया तो वो षड्यंत्र का भंडा फोड़ देगा। इस पर क्लाइव ने 2 संधि पत्र तैयार करवाए। क्लाइव का अहम रोल रहा, देखिएगा। क्लाइव ने 2 संधि पत्र तैयार करवाए, एक सफेद कागज पर जो सही था तथा दूसरा लाल कागज पर जो झूठा था और जिसमें अमीचंद की शर्तों को भी स्वीकार कर लिया गया था। जब झूठे संधि पत्र पर वाटसन ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो क्लाइव ने वाटसन के झूठे हस्ताक्षर स्वयं कर लिए। षड्यंत्र पूरा होने पर क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और नवाब का उत्तर प्राप्त होने से पूर्व ही 3,000 सैनिकों के साथ प्लासी के मैदान में आ गया। बात प्लासी के मैदान की, प्लासी के युद्ध की। तारीख 23 जून 1757 का वो दिन जिससे भारत के इतिहास में एक बहुत रोचक मोड़ कहा जा सकता है कि जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत इस भारत पर शासन करने लगी। दोनों पक्षों की सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने आ डटी। क्लाइव की सेना में 3,000 सैनिक थे जबकि सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 सैनिक थे। 23 जून 1757 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हुआ। सिराजुद्दौला की सेना का अधिकांश भाग मीर जाफर, यार लतीफ खान तथा राय दुर्लभ के नेतृत्व में था, जो नवाब के साथ विश्वासघात करने पर तुले हुए थे। ये सेना नायक अपने सैनिक दलों के साथ चुपचाप युद्ध का दृश्य देखते रहे। इस पर सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को बुलाकर अपनी पगड़ी मीर जाफर के सामने जमीन पर फेंक दी और कहा, मीर जाफर, इस पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथों में है। मीर जाफर ने उसे झूठा आश्वासन देकर वापस लौटा दिया और क्लाइव को तेजी से
धावा बोलने का संदेश भिजवा दिया। इस अवसर पर मोहनलाल, मीर मर्दान आदि स्वामी भक्त सरदारों ने अंग्रेजों का वीरतापूर्ण मुकाबला किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सिराजुद्दौला अपने ही सरदारों के विश्वासघात से घबरा गया और अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। इस प्रकार की बड़ी सरलता से अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया। कुछ दिनों बाद सिराजुद्दौला बंदी बना लिया गया और 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला का वध कर दिया। बात करते हैं प्लासी के युद्ध के परिणामों की। पहले बात करते हैं इसके राजनीतिक परिणाम क्या क्या रहे। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। बंगाल का नवाब अंग्रेजी कंपनी के अधीन हो गया, उस पर अंग्रेजी कंपनी का दृढ़ नियंत्रण स्थापित हो गया। प्लासी के युद्ध में विजय होने से अंग्रेजों के साधनों में वृद्धि हुई तथा वे कर्नाटक के युद्धों में फ्रांसीसियों को पराजित करने में भी सफल हुए। प्लासी की विजय ने मुगल सम्राट की दुर्बलता प्रकट कर दी। बात करें सैनिक परिणाम की। प्लासी के युद्ध ने भारतीय सैन्य संगठन की दुर्बलता प्रकट की। अंग्रेजों की एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी ने सिराजुद्दौला की विशाल सेना को आसान से पराजित कर दिया। मीर जाफर की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। अब वो अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ था। इसका नैतिक परिणाम भी क्या रहा वो भी देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध से भारतीयों का नैतिक पतन प्रकट हो गया। अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया कि कुछ स्वार्थी भारतीय लोग सोने चांदी के टुकड़ों में अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। इस आधार पर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे किए जा सकते हैं। अंग्रेजों ने उचित तथा अनुचित सभी तरीकों से बंगाल का धन प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी बात प्लासी के युद्ध की, कहानी इतिहास की मेरे साथ। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये ऐतिहासिक घटना, जिसे आप लोग कहीं भी चलते चलते भी सुन सकते हैं मेरी आवाज़ में, कहानी इतिहास की। दुआ करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, देखने के लिए धन्यवाद।